लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ से बचाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, एरियम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग, जिला पूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़ खंड, जल निगम सहित बाढ़ से संबंधित विभागों के तैयारियों की समीक्षा की तथा निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग संभावित बाढ़ स्थलों पर कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करावे। इसके अलावा आरोग्य स्वास्थ्य मेला भी लगाया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाढ़ चौकियों पर रखरखाव, नाव की व्यवस्था तथा बाढ़ में उत्पन्न होने वाले छोटे मोटे कीड़ों की रोकथाम तथा सांप बिच्छू के काटने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं की चारा की व्यवस्था के साथ उस दौरान होने वाली बीमारियों से निपटने की भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग और NDRF से बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कर तैयारियों का पूर्वावलोकन कर लिया जाए, जिससे समय से बाढ़ से निपटा जा सके। अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सफल रहे हैं, यही बन चुका था और हम लोग इसको आगे भी जारी रखेंगे तो और अच्छे नतीजे हमारे रहेंगे। ये लगातार 20 वर्षों में सही सरकार साथ जो इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, हमारा 3 साल के परफॉर्मेंस के सर। ये क्या है, जियो बैग है या फिर मोडर है? प्रत्येक नदी पर जो संवेदनशील है उनको चिन्हित किया हुआ जिन पर हम लोग काम कराते हैं। नेक्स्ट, ये नरवाने पिपराघाट तटबंध है 23 मई का। हमने टोटल 242 1 अप्रैल को योजनाएं संचालित की, जिसमें बाढ़ से पहले हम 160 योजनाएं पूर्ण करने के तक ले आएंगे। वो 70 योजनाएं हमारी दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगी। ये पहला साल ऐसा हुआ सर कि जिसमें इतनी ही बड़ी संख्या में परियोजनाएं पूर्ण होंगी, तो जिसमें आपका आशीर्वाद से हमें पैसा मिल गया था तो हम लोग काम बहुत तेजी से कर गए हैं। राष्ट्रीय नंबर से कर पाए सर, ये जो बोल्डर से आप लोगों ने वो बनाए हैं इनको क्या उसको जो बोल्डर रखे गए हैं उनको तारों से बांधा भी गया? तारों से बंधे हुए हैं सारे तारे, 1 मीटर के वायर प्लेट्स के अंदर किए हैं। हाँ, और वहाँ तक जहाँ पिचिंग कर दिए बंधे तो वहाँ तक सब तार से बंधा हुआ है सर। इसके अलावा हमने कई और टेक्नोलॉजीज का यूज किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का है, रोटेटर टेक्नोलॉजी का है, बॉटम पैनल्स का है, कॉन्क्रीट मेटल्स टेक्नोलॉजी हम देवरिया और बस्ती में प्रयोग कर रहे हैं। चेतौनी के इस बार उस पार महाराजगंज की इस तरफ और कुशीनगर पटना की इस तरफ, तो ये बहुत वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है इस तरफ उस तरफ भी, तो ये भी काम जल्दी से पूरा नीचे का सारा काम हो चुका है। नोट जब रहे और सब चीज़ हरदोई में हम लोग गए थे यहाँ पे देखने पे, वहाँ पर एक जो नीट का डाला गया था उसका प्रोग्रेस है, ये हमारी मंत्री उस रूप में है। कई जगहों पर जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। आप गए थे जब बंधा कटा था अपना खड़गपुर शाहपुर का, वहाँ के जल्दिंग होने के कारण से इतना अच्छा हुआ कि नदी पूरा कम से कम 1 किलोमीटर दूर से अपनी धारा बना ली है। 3,000, 2,000, 2,500 क्यूसिक डिस्चार्ज हो रहा है। पूरी धारा परिवर्तित करके तो उस तरफ चलेंगे जहाँ हम लोगों ने जल्दिंग कराया था, चंद्रस पुल पॉइंट था, तो वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ये जो चरलारी घाट है अपना, चरलारी घाट जो हम लोग बहराइच और सीतापुर को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी स्थिति बहुत खराब है और वहाँ कई नदियाँ आकर के जब धारा को बहुत तेजी के साथ कटान कर रही थी, आपका वहाँ पे भी जाना हुआ था। वो भेजा था कि 2 सौ का प्रवाह कर सके नदियों में, ठीक है। अब
हमारा प्रयास होना चाहिए कि कहीं भी कोई बाढ़ आती है तो राहत कार्य में लोग योगदान दे सके, उनकी चौकियां स्थापित हो सके, उन सभी संवेदनशील स्थलों पर, संवेदनशील स्थलों पर उन जनपदों में जाए, प्रशिक्षण उनका प्रारंभ हो जाए। ये चीजें उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होने चाहिए, दिक्कत ना हो। इसको जो नंबर्स लोगों के मन में आ जाता है, देखिए लोग संतुष्ट होते हैं, सुरक्षा का एक बहुत जागरूक होता है, चीजें दिखनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई विशेष, स्वास्थ्य विभाग सर हमारी चौकियाँ रहेंगी सर, और जो ORS के पैकेट्स हैं, फ्लोरिन की गोलियाँ हैं, ये सब सर पहले से काटी जाएंगी और जान भी। देखिए इस दौरान सांप और बिच्छू के काटने की वो चीजें आती हैं, उससे संबंधित जो भी एंटी रैबिस जो है, जो इंजेक्शन आप देते हैं ना, स्नेक वेनम जो होते हैं, सबको CSC स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अनिवार्य रूप से रहे इसकी व्यवस्था पहले से कर दें, देख लेंगे, क्योंकि ऐसे वक्त पे मिलता नहीं है, तो ये चीजें वहाँ पर देखनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ पर विशेष आरोग्य मेला की आयोजन ऐसे लोगों के लिए, जो गांव बाढ़ से प्रभावित हो जाए उन लोगों के लिए वहाँ पे आरोग्य मेला लगे, संबंधित दवा उनको उपलब्ध कराया जा सके, इसके बारे में भी वहाँ पर एक व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। पशुपालन विभाग के द्वारा भी अभी से देखिये, खुरपका मुंहपका ये सब बीमारियां इसी समय होती हैं, अभी से इसकी तैयारी आपको देखनी पड़ेगी। इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने से ही नहीं होगा, ये भी देखना है कि वहां पर वो उनको मिल भी नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो गांव निरुण हो जाएंगे उनके पशुओं के खाने की व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, कोई पशु बीमार होता है तो उसको दवा की व्यवस्था, ये गोसा बैंक आपको बनाना पड़ेगा। ये गोसा बैंक की तो मैं बात कर रहा हूँ, इसी बात के लिए करता हूँ कि सस्ते में अप्रैल में आपको गोसा मिलता है, उसको हमें उस समय ले खरीद के रखना चाहिए, हरा चारा पहले से तैयार करके रख देना चाहिए, तो कम से कम उस दौरान जरूरतमंदों को आप दे सके। ये चीजें हमें अभी से तैयारी करके, दूसरा पशुओं के समग्र उनकी आरोग्यता के से संबंधित जो आवश्यक मेडिसिन हो उनकी तैयारी पहले से रखनी चाहिए और अपनी टीम को अलर्ट करिए। पशुपालन नहीं, ये तो निराश्रित आश्रय स्थलों पर है, बाढ़ वाले क्षेत्रों की व्यवस्था, इसको देख लेना।